क्यों कुछ पुरुष महिलाओं को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते हैं जबकि कुछ को दूसरा चांस भी नहीं मिलता? इसका सीक्रेट क्या है? क्या ऐसा कोई चीट शीट है जो आपको उस आदमी में बदल सकती है? हाँ, कुछ प्रूवन ट्रिक्स हैं जो आपको महिलाओं के लिए तुरंत अधिक अट्रैक्टिव बना सकती है। यह सही कार्ड खेलने, सही मूव्स बनाने और सही बॉक्स टिक करने के बारे में है। तो अब आप कुछ सुपर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाने वाले हैं। जब मैं सुपर सीक्रेट कहता हूँ तो मैं आपको उन तीन मुख्य अट्रैक्शन ट्रिगर्स के बारे में बताऊंगा जो एक महिला को किसी पुरुष के साथ सोने की इच्छा जगाते हैं। मेरा पूरा अटेंशन दें, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। इन गाइडलाइंस का अच्छे इरादों से उपयोग करें और एक सच्चे आदमी बने। चलो शुरू करते हैं पहले रीजन से, जिससे आप जान सकते हैं कि कोई महिला किसी पुरुष के साथ सोना चाहती है। पहला रीजन है वैलिडेशन की जरूरत। महिलाएं अक्सर तभी आपके साथ सोएंगी या सोने की इच्छा करेंगी जब ऐसा करने से उनकी स्टेटस में सुधार होगा, किसी भी रूप, आकार या रूप में, जहां यह उनके लिए एक विन जैसा फील होगा। सोशल मीडिया और इंटरनेट को देखिए, पुरुष आमतौर पर किन चीजों के आदि होते हैं? स्लैशर, डर्टी, वल्गर वेबसाइट्स। महिलाएं किन चीजों में रुचि रखती हैं? सोशल मीडिया, अपनी पिक्चर्स लेना, अटेंशन पाना, लाइक्स प्राप्त करना, वैलिडेशन। जिस लड़की को आप पसंद करते हैं वह पहले से जानती है कि आप उसके साथ सोना चाहते हैं। अगर उसे वैलिडेशन जैसा नहीं लगता, अगर उसे विन जैसा नहीं लगता, तो ऐसा नहीं होगा। और यही एकमात्र तरीका है जिससे आपको वह मिलेगा जो आप चाहते हैं। कोई महिला यह महसूस नहीं करना चाहती कि उसे बहुत आसानी से जीत लिया गया है या कि आप एक लो वैल्यू रैंडम आदमी हैं। बहुत से पुरुष इस पार्ट को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता कि महिलाएं अक्सर तभी आपके साथ सोएंगी जब वे वैलिडेशन चाहती हैं। जैसे लड़कियों को अटेंशन चाहिए, यह मुख्य ड्राइवर होगा। एक एग्जाम्पल दूं, मेरे फ्रेंड पुष्कल की स्टोरी सुनिए। वह अपने 20 के दशक की शुरुआत में एक लड़की को देख रहा था। उसने महसूस किया कि वह उससे कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उसे कहा कि वे एक साथ नहीं हैं। जब उसने उसे बताया कि वह अब और नहीं मिलना चाहता, उसने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। अचानक लड़की ने उससे सोने की भीख मांगनी शुरू कर दी। तो सवाल ये उठता है, उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब वैलिडेशन या एक्सेप्टेंस चली जाती है या अटेंशन कम होने लगता है तो वे आपको और अधिक चाहते हैं। सेकेंड रीजन, कंपटीशन एंजाइटी। महिलाओं की सबसे बड़ी कंपटीशन एंजाइटी है किसी और से प्यार हो जाना। महिलाओं के साथ यह अक्सर इंटीमेसी के बारे में नहीं होता है, बल्कि इस बात की चिंता होती है कि वह पुरुष किसी और महिला से प्यार कर लेगा। महिलाएं आपको जल्दी से सोने के लिए तैयार होंगी अगर उन्हें लगे कि अन्य महिलाएं आप में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वे आपको लॉक करना चाहती हैं और आपसे इमोशनली जुड़ना चाहती हैं। आपने पहले ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट की इच्छा प्रदर्शित की है, आपको अब एक क्लियर पाथ की आवश्यकता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको किसी भी एरिया में सफलता प्राप्त करने का स्पष्ट रास्ता मिलेगा। थर्ड रीजन, महिला की संतान की इच्छा। हाँ, यह शॉकिंग हो सकता है, लेकिन पुरुष के साथ सोने से प्रेगनेंसी हो सकती है। महिलाओं की बायोलॉजिकल क्लॉक हमेशा टिक टिक करती रहती है। महिलाएं सुनिश्चित करना चाहती हैं कि आदमी के पास अच्छी जॉब करियर हो। महिलाएं उन लक्षणों को वैल्यू देती हैं। आपको हमेशा अपने आप को बिल्ड करना चाहिए, चाहे आप अपना बिजनेस बना रहे हों या जिम में अपनी बॉडी या बॉक्सिंग या MMA जिम में अपने फाइटिंग स्किल्स का निर्माण कर रहे हों। कि पॉइंट ये है कि आपको खुद का बिल्ड करना चाहिए। जब आप न केवल उन अट्रैक्शन ट्रिगर्स को समझते हैं बल्कि बिल्डिंग की पावर को भी समझते हैं और यह इवोल्यूशनरी लेवल पर क्या करता है, तो आप हर उस व्यक्ति से आगे बढ़ जाएंगे जो इसे सीरियसली नहीं ले रहा है। हमेशा हाई स्टैंडर्ड्स को बनाए रखें और अपने डेटिंग लाइफ में इन रूल्स को न भूलें। तो याद रखें, हर आदमी अपनी किस्मत, अपना भरोसा और अपनी स्टोरी खुद लिखता है। और मैं हमेशा आपको एनकरेज करता हूँ कि आप वह सब कुछ सीखें जो आपको टाइम रहते सीखना चाहिए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि मैं एक पावरफुल पर्सन हूं और मैं डेली अपना नॉलेज बढ़ाता हूं। हम जल्द ही एक बहुत पावरफुल वीडियो ला रहे हैं, तो यदि आप वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जिंदगी में रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। खुद का ख्याल रखें।